स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, जहाँ पर जो आज आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका क्लास नाइन्थ में जो भी बच्चा एंट्री कर रहा है वो कौन सा सब्जेक्ट ले, क्योंकि सब्जेक्ट लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। समझ में नहीं आता कि मैं कौन से सब्जेक्ट को लूँ या कौन सा हम ग्रुप पकड़ूँ या कौन सा, मतलब हम बोलते हैं ना कि कौन सा साइंस ले कि आर्ट ले या हम कंप्यूटर पढ़ें या म्यूजिक पढ़ें, क्या पढ़ें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम वो सारी बातें क्लियर करेंगे आपको क्या पढ़ना है। और यहाँ पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड मेरा ये वीडियो है, तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो साइंस और आर्ट में लेने में कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। वो चाहे लड़कियां हो और चाहे लड़के हो, दोनों के लिए वीडियो है, तो पक्का उनको पता भी चल जाएगा। और ये तीन विषय जो पढ़ते हैं, जो कॉमनली विषय हमारे ऑप्शनल होते हैं, संस्कृत, अंग्रेजी और चित्रकला, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट ले, किस में ज्यादा मार्क बनेगा, कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा, आगे चल के किससे हमारा अच्छा करियर बन सकता है, वो भी हम इसमें कन्फर्म कर देंगे। तो नाइन्थ में एंट्री कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को हम यहाँ बताते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि हम यहाँ दो कैटेगरी करते हैं, एक यहाँ पर हम साइंस बनाते हैं और एक हम बनाते हैं यहाँ पर आर्ट, ठीक है। एक हम बनाते हैं आर्ट, दो कैटेगरी में दो चार्ट हमने बना लिया। अब दोनों चार्ट में हम यहाँ पर एंट्री करते हैं एक एक सब्जेक्ट की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है हमारा हिंदी, कौन सा सब्जेक्ट होता है हिंदी, तो ये हिंदी जो है हमारा इसमें भी चलेगा। तो इनमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदी दोनों के लिए सेम ही हो रही है, हिंदी दोनों के लिए तो सेम ही हो रही है, ओके। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारा विज्ञान। क्या होता है हमारा विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, ये हमारा है विज्ञान। विज्ञान मतलब आप समझ सकते हैं साइंस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं साइंस, तो हमारा विज्ञान हो गया। अब विज्ञान दोनों में वही आएगा, अब उसको मतलब जो पेपर होगा विज्ञान का, साइंस का जो पेपर होगा वो इसके लिए भी सेम ही होना है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम सामाजिक विज्ञान, कौन सा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान जो होता है ये दोनों में होगा, ठीक है, दोनों में होगा सामाजिक विज्ञान, ठीक, ये हो गया। तो सामाजिक विज्ञान का तीन विषय जो हो गए ना, ये होते हैं हमारे अनिवार्य विषय, जिसको बोलते हैं नेसेसरी होते हैं, ये सभी के लिए ये जरूरी विषय है, अनिवार्य विषय। ये तीनों विषय दोनों साइड वाले लेंगे, चाहे ये वाले हों चाहे ये वाले हों, चाहे वो आर्ट के हों, यानी इसको हम आर्ट्स बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइंस के हों चाहे आर्ट्स के हों, वो दोनों बच्चे यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो रहा है हमारा यहाँ पर कौन कौन सा, ये हो गया। एक विषय हमारा और पढ़ता है जो कि यहाँ पर हमारा कुल मिलाकर के 6 विषय लेने हैं। कितने विषय लेंगे हम यहाँ पर, हम 6 विषय लेंगे, 6 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, कितने सब्जेक्ट, 6, अभी 3 ही सब्जेक्ट हुआ है, कितने सब्जेक्ट हुआ है, 3 सब्जेक्ट हुआ है, और हमें अभी 3 सब्जेक्ट और लेना बाकी है, 3 सब्जेक्ट अभी हमें और लेना बाकी है। अब 3 विषय में जो ऑप्शनल विषय होते हैं एक एक करके चलते हैं। एक होता है गणित, क्या होता है, सॉरी, गणित, ठीक है, या इसकी जगह ले सकता है कोई गृह विज्ञान, क्या ले सकता है, गृह विज्ञान, ये हो गया। सेम इसमें भी कोई काम कर सकता है, परंतु इसमें गणित की जगह क्या करेगा, वो लेगा प्रारंभिक गणित, कौन सा गणित, प्रारंभिक गणित। दूसरा होगा हमारा गृह विज्ञान, जी होगा। ये गृह विज्ञान जो होता है वो बालिकाएं लेती हैं, बालिकाओं के लिए होता है, तो ये जो है बालक के लिए होता है, ये बालक वाले और बालक और बालिकाएं दोनों ले सकते हैं। गृह विज्ञान बालिकाएं ही अधिकतर लेती हैं यही, और इन्हीं के लिए बना भी है। तो यहाँ पर हमारा अगला जो सब्जेक्ट पढ़ता है वो हमारा पढ़ता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, कौन सा, संस्कृत, ठीक, फिर अंग्रेजी, फिर चित्रकला, चित्रकला सेम इसमें भी वही है आपका, संस्कृत, अंग्रेजी, चित्रकला, ठीक, ये पढ़े। अब इनमें से हमें क्लियर करना है कि आपको कौन कौन सा, ये 3 सब्जेक्ट तो फिक्स हो गए। अगर आप लड़के हैं
तो आप गणित लेंगे या प्रारंभिक गणित लेंगे, दोनों में से एक गणित आप लेंगे। अगर आर्ट्स से जाना चाहते हैं तो आप प्रारंभिक गणित लेंगे, साइंस से जाना चाहते हैं तो आप गणित लेंगे। ये आपका एडवांस मैथ होता है, इसमें आपका मैथ्स होता है, मतलब ये गणित, ये गणित पर बेस्ड होता है ये आपका, इसमें और सारी गणित। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आगे चल के आपको जो लाभ हानि पर सत्ता बट्टा या साझेदारी, बहुत सारी चीज़ें आपका ये सारी चीज़ें वाले चैप्टर से हो जाते हैं। बाकी दोनों के चैप्टर में ज़्यादा डिफरेंट होगा, इसमें त्रिकोणमिति जो होता है वो बढ़ जाता है, और आपका कुछ चैप्टर्स हैं जो एडवांस में बढ़ जाते हैं, बाकी सेम चैप्टर दोनों में रहेंगे टेंथ तक। उसके बाद इलेवंथ में हट जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब दूसरे चैप्टर का ज़्यादा सिलेबस चेंज हो जाता है। तो टेंथ तक दोनों गणित में कुछ ही चेंजेज रहते हैं। तो अगर आप गणित से पढ़ना चाहते हैं आगे, आप अगर गणित से पढ़ना चाहते हैं एडवांस गणित से, इसको हम एडवांस गणित बोलते हैं, ये हमारा प्रारंभिक गणित होता है, तो हमारा ये गणित लेंगे तो हम आगे चल के गणित से पढ़ेंगे जो आपका इलेवंथ ट्वेल्थ या आप ये वाली गणित लेंगे। ये प्रारंभिक गणित से भी आप पढ़ सकते हैं आगे चल करके, ये कहीं कहीं पर नहीं होता है, इसलिए आप इसको ना लेकर के आप ये वाली गणित लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको ये गणित लेना है। कौन सी गणित? ये एडवांस गणित जो गणित के नाम से है, ये वाली गणित प्रारंभिक गणित होती है, एलिमेंट्री गणित मैथमेटिक्स होता है, इसको आप नहीं लेना है, ये अभी नहीं लेना है, ले सकते हैं, मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो है कॉलेज, मतलब उसका अलग रूल होता है, वो भी पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने वाले वो बीए में पढ़ सकते हैं गणित, ये वाले पढ़ते हैं जो ये बीएससी करते हैं आगे चल के, इसलिए साइंस वाली गणित होती है, ये आर्ट वाली गणित होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा। और बालिकाएं जो होती हैं वो गृह विज्ञान ले सकती हैं, इन दोनों विषय, अब चार विषय हो गए, या तो आप गणित लेंगे या गृह विज्ञान लेंगे, प्रारंभिक गणित या गणित लेंगे, गृह विज्ञान लेंगे। अब इसमें संस्कृत, अंग्रेजी और चित्रकला में से कौन सा लेना है, ये आपको निर्धारित करना है, आपको निर्धारित करना है। और चीज़ें मैं बताता हूँ, अंग्रेजी जो है आपका और संस्कृत जो है आपका, ये दोनों भाषा होती है, ये क्या होता है, दोनों भाषा होती है, ठीक है, दोनों भाषाएं होती हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये हो रहा है कि आप अंग्रेजी को तो लेके ही चलना है, अंग्रेजी को तो आप लेके ही चलना है, ये एक नंबर पर आप इसको रख लीजिए कि अंग्रेजी आपको लेके चलना है, तो अंग्रेजी आप ले लेंगे, अंग्रेजी मत छोड़िएगा। हाँ, नहीं आ रहा है तो नहीं लेना चाहते हैं तो अलग बात है, आपकी इच्छा की बात है, बट आप कोशिश करिए कि अंग्रेजी लेके चलिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मॉडर्न जो ज़माना आ रहा है इसके हिसाब से अंग्रेजी हर एक जगह पर लिखी रहती है, और हमें समझना भी चाहिए, तो अंग्रेजी आपको पढ़ना भी चाहिए। तो अंग्रेजी एक भाषा होती है, अगर आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए एक ऑप्शन बन जाता है अंग्रेजी। और यहाँ पर संस्कृत जो है, संस्कृत भी एक भाषा होती है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने हिंदी से पढ़ना चाहा आगे चल करके, इलेवंथ मतलब आप इंटर किए, इंटरमीडिएट पढ़े, उसके बाद आप बीए कर रहे हैं, तो आप हिंदी पढ़े तो संस्कृत पढ़े रहेंगे, तो दोनों कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा, तब आप इसको पढ़ लेंगे। इसलिए हिंदी के साथ संस्कृत आगे चल के बहुत सारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो हिंदी के साथ संस्कृत चलेगी, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी के साथ संस्कृत चलेगी, तो हिंदी संस्कृत मतलब संस्कृत अंग्रेजी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप चित्रकला भी ले सकते हो, परंतु ये बात ध्यान रखिएगा, चित्रकला आपका कट जाएगा, अलग सब्जेक्ट हो जाता है, अलग रूट हो जाता है, चित्रकला आपका अकेला विषय हो जाएगा, इसलिए आप इसको चाहे करें या ना करें। अब रही बात, कुछ बच्चे को ये बात होगी कि हमें चित्रकला बनाना बहुत आता है, हाँ आप हाई स्कूल पास करना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास करना है, तो आप चित्रकला ले लीजिए, बिना पढ़े हुए आप बना के आएंगे और मार्क अच्छा पा जाएंगे। संस्कृत में आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे तब मार्क पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि आप ये कन्फ्यूजन दूर कर दीजिएगा कि हमें कला में ज़्यादा मार्क मिलेगा, संस्कृत में ज़्यादा मार्क नहीं मिलेगा, तो ये कोई बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप कला में जितना मार्क पाएंगे उतना मार्क संस्कृत में भी पाएंगे, क्योंकि बात ये हो जाती है कि चित्रकला में भी अगर अच्छी तरीके से कॉपी जाँची जाएगी तो उसमें भी कोई ऐसा बच्चा नहीं होता कि जो अच्छी प्रकार से रूल के हिसाब से चित्र को बनाए रखे रहेगा वो अच्छा मार्क पाएगा, ऐसा नहीं रहता। फिर भी जो टीचर होते हैं अच्छे से मार्किंग करते हैं, अच्छा मार्क देते हैं, ताकि बच्चे का हौसला बढ़ा रहे और अच्छे से वो जो आगे आने वाले जो ज़माने में जो बच्चे हों वो चित्रकला को लें, पढ़ें और समझें, नहीं तो एक दिन ऐसा सब्जेक्ट बन जाएगा कि कोई लेगा नहीं। तो इसीलिए चित्रकला में मार्क मिलता है। सेम यही कंडीशन होती है संस्कृत में, संस्कृत भी बहुत सारे स्टूडेंट कभी लेते नहीं, कहते संस्कृत क्या है, पुराने ज़माने की भाषा है, इसलिए लेते नहीं है। तो जो उसका टीचर रहता
वो अच्छी तरीके से मार्किंग करता है ताकि हमारा सब्जेक्ट जो है हमें हमारा सब्जेक्ट जो कोई और बच्चा पढ़े अच्छी तरीके से पढ़े, मैं भी किसी को पढ़ाऊँ तो वो अपनी जनसंख्या को, जैसे बोलता नहीं है कि हर कोई अपना ही अपने घर को ही बढ़ावा देता है ना, उसी तरीके से तो वो जो संस्कृत वाला सब्जेक्ट वाला टीचर रहता है वो अच्छी तरीके से मार्किंग करेगा संस्कृत वाले को। आप कुछ भी ढंग से नहीं लिखे रहेंगे तब भी अच्छा से मार्क करेगा। जैसे चित्रकला में मार्किंग की जाती है कि बहुत अच्छा चित्र ना बना हो फिर भी 80% मार्क लेके आता है, तो संस्कृत में भी आप कुछ भी ढंग से नहीं लिखे रहेंगे फिर भी 80% मार्क पाएंगे, ये कन्फ्यूजन दूर कर दिएगा, तो चाहे जो लिख सकते हैं। अब रही बात, मैंने बता दिया कि चित्रकला जो है अलग सब्जेक्ट हो जाता है, इसको आप इंटर में कला के अनुसार आप प्रावधिक कला के में आप चित्रकला में आपका प्रावधिक कला आपका भारतीय कला बहुत सारे कला होते हैं तो इन सबको आप अलग तरीके से आप इंटर में पढ़ सकते हैं तो आपका वो बढ़ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट होते हैं मेनली, ये सब्जेक्ट होते हैं, बाकी जो संगीत और वो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे यहाँ लेने वाले सब्जेक्ट नहीं, इतने सब्जेक्ट में सभी सब बच्चे लेते हैं जो है। तो अब रही बात, मैं इनमें बता देता हूँ कि आपको दिक्कत क्या होने वाली है। इसमें दिक्कत आपको यही होगी कि इन तीनों सब्जेक्ट में आपको दिक्कत, मैं बता दिया कि आप क्या करिएगा, आप संस्कृत और अंग्रेजी ले लीजिए, हिंदी लिए हैं तो, क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत काम कर जाएगा, आगे पढ़ना चाहेंगे तो हिंदी से, अगर मान लीजिए साइंस आर्ट साइड से हैं और साइंस साइड से हैं तो आप कोई भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप यहाँ पर जो मैंने बताया इन सबको अच्छी तरीके समझ लीजिए और तब जाके आप अपना एडमिशन करा लीजिए नाइन्थ में, अच्छी तरीके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन समझ गए हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर अपने ग्रुप में शेयर कर दें जहाँ पर बच्चों आपके लेवल के बच्चे हों जो जिसको ज़रूरत हो वहाँ पर शेयर कर दीजिए और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ ज्वाइन उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन। मेरा सेकंड चैनल है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, उस पर भी विजिट करिए और उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, छोटा छोटा छोटी छोटी बातें के लिए हमारा चैनल आपके लिए तत्पर रहेगा।